हेलो एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। तो मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है कि ये उसका करम है, ये उसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals? जिसने अपने हस्बैंड को खुद अपनी आँखों से बेंगल्स पर ग्लास ऑफ बेंगल्स कांच की चूड़ियों पर जो पॉलिश की जाती है उसकी डस्ट से अंधे होते हुए देखा है। Can a God given lineage ever be broken? कि क्या कभी भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वो संकेत करते हुए कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, एक ऐसी जाति में पैदा होकर जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती है, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल बेंगल्स देखी हैं। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर एक गलियों में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाए इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, तो हर कलर की चूड़ियाँ रेनबो में जो सेवन कलर्स होते हैं उनसे निकलने वाला प्रत्येक कलर, पर्पल, पिंक, रॉयल ब्लू, पेडी ग्रीन, सनी गोल्ड, इन सारी कलर्स की चूड़ियों के स्पाइरल्स जो हैं, गुच्छे जो हैं, वो उन्होंने देखे हैं। कहाँ पर? लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, जो खाली आंगन है उनमें उनका माउंट मीन्स ढेर पड़ा हुआ है। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील हैंड कार्ट, जो चार पहियों वाली गाड़ी है उसमें भी जो हैंड कार्ट, हाथ से चलाने धकेलने वाली, जिसको ठेला बोलते हैं, उस पर उनका ढेर लगा होता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, उस शेंटी मीन्स गंदे टाउन में जहाँ पर नैरो लेन्स हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, वहाँ पर यंग मैन उन हैंड कार्ट को धकेलते हुए, पुश करते हुए चूड़ियाँ बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधेरी कोठरियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पर ऑयल लैम्प जलते हैं और उनकी जो फ्लेम है वो बार बार फ्लिक करती है, बार बार वो जलती बुझती है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पर बच्चे, लड़के और लड़कियाँ अपने फादर्स और मदर्स के साथ बैठते हैं। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इंटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, कलर्ड ग्लास के जो पीसीज हैं उनको वेल्ड करते हैं, उनको जोड़कर सर्कल बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आँखें वो बाहर की लाइट से ज़्यादा अंधेरे में एडजस्ट कर लेती हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और यही रीज़न है कि वो अक्सर बड़े होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमन सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास। सविता जो कि एक यंग गर्ल है, उसने एक ड्रैब मीन्स डल पिंक ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमन, वो एक बुजुर्ग औरत के पास साइड में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मकैनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, तो जैसे उसके हाथ जो हैं वो एक मशीन की तरह से, टोंग्स ऑफ अ मशीन, एक मशीन की
का जो एक चिमटा होता है बिल्कुल उसकी तरह से मूव करते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैनिटिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प्स मेक। आई वंडर उसे आश्चर्य होता है इफ शी नोज द सैनिटिटी की अगर उसे उनकी पवित्रता का पता होता चूड़ियों का शी हेल्प्स मेक जिनको वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबोलाइजेज एन इंडियन वूमन सुहाग कि ये किसका प्रतीक है भारतीय औरतों के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज जो कि शादी में बहुत पवित्र मानी जाती हैं ऑस्पिशियस मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे जब एक दिन अचानक ही उसे इसका पता लगेगा कब जब उसके सर पर एक रेड कलर का घूंघट होगा उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां होंगी तब उसको इसका पता चलेगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो उस बूढ़ी औरत की तरह से जिसके साइड में बैठी थी वो और जो कि इतने सालों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है लेकिन उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ अभी भी हैं। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया शी सेज तो वो कहती है कि उसने ढंग से खाना कभी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय और एक ऐसी आवाज़ में बोलती है जिससे पता चलता है कि उसमें कोई खुशी नहीं है वो खुशी से ड्रेन्ड है वंचित है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड और उसने कभी भी यहाँ तक कि अपने पूरे लाइफ टाइम में उसने एक भर पेट खाना कभी नहीं खाया। शी हैज़ रीप्ड ये उसकी कमाई है ये उसने कमाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स उसका हस्बैंड जो कि एक बूढ़ा आदमी है अपनी दाढ़ी को फ्लोइंग लहराते हुए कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स कि वो चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन कि उसने अपनी इंटायर लाइफ में जो कुछ भी किया है वो केवल इतना कि उसने अपने फैमिली के रहने के लिए एक घर बना लिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड उसकी बातों को सुनकर जो नैरेटर है वो आश्चर्यचकित होती है और वो सोचती है कि उसने हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम कि उसने अपने जीवन में वो अचीव किया है जो बहुत सारे लोग कमाने में अचीव करने में फेल हो जाते हैं। एट लीस्ट ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड कि कम से कम उसके सर के ऊपर एक छत तो है। मींस उसको क्या कहना चाहती है वो ये कहना चाहती है कि भले ही उसने और कुछ ना किया हो उसने सारी उम्र चूड़ियाँ बनाकर अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ एक रेंटेड हाउस में बिता देते हैं तो ये उसकी अचीवमेंट है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल सो द रिमेन चैप्टर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।